हेलो या सो अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड एज वी आर मीटिंग ऑन रेगुलर बेसिस सो टुडे ऑल्सो वी आर मीटिंग. लेकिन आज का कंसर्न ये है कि व्हेन वी वेयर सीटिंग है ना, तो जब हम लोग कलीग एक साथ बैठे हुए थे तो एक डिस्कशन हो रहा था कि यार सब अपने अपने ओपिनियन रख रहे थे उस टॉपिक पे. एंड द टॉपिक वाज कि सफल और असफल विद्यार्थी में डिफरेंस क्या है ना, दैट गुड स्टूडेंट और नॉट गुड स्टूडेंट में क्या डिफरेंस है. सो वट एवर द पॉइंट आई हैव केप्ट विथ माई कलीग आई वॉन्ट टू शेयर विद यू ऑल. तो मैंने कहा कि देखिए, पहले आई हैव टॉक्ड अबाउट नॉट गुड स्टूडेंट. तो द फर्स्ट पॉइंट इज कि उनको ना बात करने में बड़ा मन लगेगा, है ना. मीन्स आप बात करिए, बात उनको बात बनाने में बहुत मजा आता है. एक से बात दूसरा, दूसरा से तीसरा, ऐसे बात करते चले जाएंगे ना. द सेकेंड पॉइंट इज ना वो काम बहुत कम करना चाहेंगे. जैसे आप कुछ बता रहे हैं कि बेटा ये ऐसे कर लो, तो वो चाहेंगे कि नहीं आप ही कर दो. वो खुद नहीं करना चाहेंगे वो काम को, मतलब उस क्वेश्चन को वो खुद नहीं सॉल्व करना चाहेंगे. आप हिंट देंगे फिर भी वो नहीं चाहेंगे, वो सोचेंगे कि आप ही उसको सॉल्व करके दे दो. फिर द थर्ड पॉइंट इज वो सोचेंगे बहुत, जैसे मुंगेरी लाल के सपने होते हैं ना कि यार आज मैं अमेरिका का राष्ट्रपति हो जाता, ये करूंगा तो मैं ये हो जाऊंगा. वो ऐसे ही होते हैं, वो सोचते बहुत हैं, ये होता तो ये हो जाएगा, फिर ऐसे कर लेंगे, फिर वैसे कर लेंगे. मतलब उनको सोचने में बड़ा मजा आता है. फिर फोर्थ पॉइंट इज कि उनकी स्ट्रैटेजी, वो स्ट्रैटेजी भी बनाते हैं, लेकिन उनकी स्ट्रैटेजी कुछ ऐसी होगी. उनकी स्ट्रैटेजी होगी कि अच्छा यार आज मैं हूं, 100 डेज बचा हुआ है ना, तो 100 डेज इतना चैप्टर पढ़ना है, 10 चैप्टर, यानी एक चैप्टर को 10 डेज देना है. लेकिन वो पढ़ेंगे नहीं, 100 डेज से 80 डेज हो जाएगा. फिर से स्ट्रैटेजी बनाएंगे, यार आज तक तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं, दिल को तसल्ली देंगे, फिर बोलेंगे आज से करेंगे, फिर एक दिन करेंगे, फिर खत्म गोल, है ना. फिर जब ऐसे ही 30 1 मंथ बचेगा तो फिर बोलेंगे चलो फिर से स्ट्रैटेजी बना दें, फिर वो स्ट्रैटेजी बनाएंगे. एंड दीज फोर आर द सिम्टम्स ऑफ अ फेलुअर स्टूडेंट. वेयर एज गुड स्टूडेंट की क्वालिटी ये है कि जो नॉट गुड स्टूडेंट की क्वालिटी है वो सब उसमें नहीं रहेंगे. यदि आप बोलेंगे हिंट देंगे तो दे विल ट्राई टू सॉल्व, वो ट्राई करेंगे कि अच्छा चलो ट्राई करते हैं सॉल्व करने का, है ना. उनको मुंगेरी लाल के सपने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सपने नहीं देखते. वो सपने देखेंगे कि मेरे को ये करना है और उसके अकॉर्डिंगली वो वर्क करते चले जाएंगे. वो भी स्ट्रैटेजी बनाएंगे, लेकिन वो जो स्ट्रैटेजी बनाएंगे वो उसको ब्लाइंडली फॉलो करेंगे. ये नहीं कि स्ट्रैटेजी बना लिया है और फिर अपने मजे में कर रहा है. तो दीज आर द सम डिफरेंसेस बिटवीन अ गुड स्टूडेंट एंड अ नॉट गुड स्टूडेंट. सो वट एवर द थिंग्स आई हैव शेयर्ड विथ माई कलीग आई वॉन्ट टू शेयर विद यू ऑल, दैट्स वाई आई केम हियर. थैंक यू सो मच, नाइस टू हैव यू ऑल हियर. थैंक यू.